अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेस कादी इश्तियाक अहमद मैसर जिला दादू सिंध से ताल्लुक रखती हूँ। मैं सहारा टीवी क्राइम रिपोर्टर हैदर रजा से मुखातिब हूँ और उनको ये अपील करती हूँ कि जो मेरी जायदाद के मसले हैं और जो मेरे सौतेले बेटे कादी जायद मैसर कादी वाजिद मैसर देने से इनकार कर रहे हैं, मैं हैदर रजा भाई से ये अपील करती हूँ कि मेरे इन मसलों को आला इदारों तक पहुँचाकर मेरी मदद करें। और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बेटे को उनके बाप का हक दिलवाएं, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अपील करती हूँ पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान साहब से और सिंध वजीर आला मुराद अली शाह से और आर्मी चीफ से चीफ जस्टिस से। रहमान रहीम प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आज हम बात करेंगे लीगल इशू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी विरासत के कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें एक वीडियो जिला दादू सूबा सिंध तहसील मोड़ डिस्ट्रिक्ट यूसी काजी आर मैसर से मिसेस काजी इश्तियाक अहमद ने अपील की है हमसे कि मेरा शौहर जुलाई 2016 को वफात पा गए हैं और इनका दूसरी बीवी से मासूम बेटा काजी जुल्फकार मैसर जिसकी उम्र 13 साल है, जिसके दो सौतेले भाई हैं जो पहली बीवी से हैं, उनका नाम काजी जाहिद मैसर और काजी वाजिद अली मैसर जो कि पीपल पार्टी के खास रहनुमा हैं और बासर फराद हैं। इन खातून का कहना है कि मेरे शौहर का करोड़ों की जायदाद है जो वो छोड़ के गए हैं, जिसमें मेरे बेटे का और मेरा हिस्सा है जो कि वो नहीं अदा कर रहे। जिस हम इनकी अपील को पहुंचाएंगे वजीर आला सिंध तक और आई जी सिंध तक, DIG सिंध तक और मजीद पीपल पार्टी के रहनुमा जो सिंध में बैठे हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान हैदर रजा जैदी। हम यहाँ पर मौजूद हैं मेहर खुर्शीद हसन सियाल साहब के पास जो एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं और हम विरासती जायदाद के बारे में यहाँ इनसे पूछने आए हैं। पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमारे इस चैनल को टाइम दिया और हमारी बहन जो वीडियो वायरल हुई दादू सिंध से, उनके लिए इन्होंने जो विरासती जायदाद का सिलसिले के सिस्टम है उसके बारे में हमें मालूमात देने के लिए रजामंदी जाहिर की। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे टाइम दिया और कुछ सवालात हैं हमारे विरासत के बारे में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता तो हम उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहेंगे। जी ये हमारा एक बहन है, उनकी सूबह सिंध से दादू से जो है फरियाद आई है, तो वो मिसेस काजी इश्तियाक उनका जो वालिस अपना शौहर हैं उनका इश्तियाक साहब शौहर थे, वो फौत हुए हुए तकरीबन उनको चौथा साल है, 2016 में वो उनका इंतकाल हुआ था। तो उन्होंने जो दूसरी शादी की थी आपदा बीबी से, उन आपदा बीबी का जो वीडियो है वो हमारे पास वसूल हुआ है। उनकी फरियाद है कि उनके जो दो बेटे जिनकी पहले से शादी उनकी हुई हुई थी, उनके सुतेले दो बेटे जो हैं वो उनका हक अदा नहीं कर रहे, उनकी जायदाद जो उनका हिस्सा बनता है जो उसके बेटे का, क्योंकि जो दूसरी बीवी है उससे उनका एक बेटा है 13 साल जुल्फकार अली, उसका हक अदा नहीं कर रहे। तो आप मुझे विरासत के बारे में बताएं कि इनका कितना हक बनता है और उसके बेटे का कितना हक बनता है इनकी जायदाद से। सबसे पहले शाज़िम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस बेहतरीन टॉपिक और सबसे अहम टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, इस्लाम को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, जिसका हक होता है उसको उसका हक अदा नहीं कर रहे बल्कि उसको हक उसका हक भी हम खाने की कोशिश करते हैं।
और जहाँ तक विरासत का ताल्लुक है तो जहाँ तक बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता, बल्कि जो मर्द हजरात होते हैं वो उनका हक, अपनी बहनों का, अपनी जो बेवा माएँ होती हैं उनका, बाकी रिश्तेदारों का हक खा जाते हैं। ये भी इलाका कुछ ऐसा ही है, दादू इलाका जो सिंध का है, और ये पीपल पार्टी के कोई बासर लोग हैं, और ये वाजिद अली, काजी वाजिद अली और जाहिद जो है वो एक पीपल पार्टी के बासर लोग हैं, तो जो आपदा बीबी ने बतलाया, तो वहाँ पे भी ये एक निज़ाम ऐसा सिस्टम है। तो अब वो क्या, बीबी जो बेचारी है जो लाचार है, मजबूर है और सहारा मांगती है, वो क्या करे इस बारे में? शाहजहाँपुर पोस्ट का ये कानून मौजूद है, वो सिविल कोर्ट में जाए अपने, यानी वहाँ पे अपना सूट फाइल करे इसके लिए, विरासत के लिए, तो वो कोर्ट ही खुद डिक्लेयर करेगी, उनकी कोर्ट खुद ही यानी उनको अपना हक उसको देगी। सबसे पहले ये जो बंदा फौत हो जाता है, डिसीज्ड होता है, उसकी जो जायदाद होती है उसमें सबसे पहले जो उनके खर्चा होता है उनके फौत होने पे, तदफीन पे, सबसे पहले उनकी जायदाद में से वो अदा किया जाता है। इसके बाद अगर उसके ज़िम्मे जो बंदा फौत हो चुका है कोई कर्ज है तो उनकी जायदाद में से कर्ज अदा किया जाता है दूसरे नंबर पे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर उसने कोई वसीयत की हुई है किसी को देने के लिए, कुछ जायदाद का, पूरी जायदाद नहीं, जायदाद का कुछ पोर्शन, तो वो उनको दिया जाता है। इसके बाद जो ये जायदाद बच जाती है तो वो वरसान जो होते हैं उनमें तकसीम किए जाते हैं। सपोज ये बेवा है, सबसे पहले इनको आठवां हिस्सा मिलेगा। जो बेवा होती है, कोई बंदा मर जाता है उसकी बेवा होती है तो उसको 1/8 हिस्सा मिलता है। उसके बाद बाकी जायदाद जो बच जाती है बाकी वर्षा में तकसीम हो जाते हैं। सपोज अगर उनके बेटे हैं तो बेटे को एक हिस्सा, दो हिस्से मिलेंगे, और जो उसकी बेटी है उसको एक हिस्सा मिलेगा। तो जो आदब बीबी का जो बेटा है 13 साल जुल्फकार अली, क्या उसको, यानी कि 1/8 आपने बताया कि बीवी को मिलेगा, बेवा को, और उसके बाद जो इनका बेटा है इनको भी दूसरा हिस्सा मिलेगा? जी शाहब, औलाद तो सारी बराबर होती है, चाहे पहली बीवी से हो चाहे दूसरी बीवी से हो, जब विरासत तकसीम होती है तो उनका हिस्सा बराबर ही दिया जाता है। अगर बेटे हैं तो उनको दो हिस्से मिलते हैं, अगर बेटी है तो उनको एक हिस्सा मिलता है। अगर ये तीन भाई हैं तो इनकी एक माँ है बेवा, तो आठवां हिस्सा निकाल के बाकी जो जायदाद बचेगी इनके दो दो हिस्से करके इनको तकसीम किया जाएगा। सपोज ये 6 हिस्से बन जाएंगे बकाया, तो इनको डिवाइड करके तो इसको यानी किया जा सकता है, इनको तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मसले ऐसे भी हैं कि उनके जो सौतेले बेटे हैं और वो उनको धमकियां भी दे रहे हैं, और जायदाद में से हिस्सा तो एक अलहदा मैटर है, वो देना ही नहीं चाह रहे उनको, और अपने छोटा भाई जो सौतेला छोटा भाई है उसको भी वो हिस्सा नहीं देना चाह रहे और वो मजीद धमकियां दे रहे हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे आपदा बीबी को कि वो किस जगह जाए और क्या इसमें दिफा लगती है और वो अपने हक पाने के लिए कौन सा कानून का दरवाज़ा खड़काए? शाह साहब, अब हमारी अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, तो वहाँ जाके ये सूट फॉर डिक्लेरेशन वहाँ पे फाइल करें जो विरासत तयन करती है, तो वहाँ जाके जायदाद की अपनी पूरी डिटेल दें और वहाँ पे एक वकील को हायर करके तो वहाँ पे एक केस फाइल कर दें जिसमें से पूरी डिटेल दे दें कि ये बंदा फौत हो चुका है, मेरा मियाँ फौत हो गया, ये जो उसके वसा है तो इसको तकसीम किया जाए। अगर जरी जायदाद है तो वहाँ पे जो पटवारी या तहसीलदार होते हैं वो भी इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ सरदारी निज़ाम है उनका बहुत असर रसूख है तो वो उनको तकसीम नहीं करने देंगे, तो लिहाजा ये कोर्ट में ही जाएगी तो कोर्ट ही इसकी हेल्प करेगी और कोर्ट ही डिग्री जारी करेगी जिसके इजरा करके ये इसको हिस्सा दिया जा सकता है। मेहर खुर्शीद सियाल साहब की तरफ से ये मशवरा है कि आप अदालत से रजू करें, ज़रूर रजू करें, क्योंकि अदालतें आपके लिए ही हैं, इंसाफ देने के लिए हैं, और हम भी चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि हमारी इस बहन का जो है ये जो मसला जायदाद का है वो फौरी तौर पे एक्शन लें, फौरी तौर पे सुने, इस मुकदमे को सुने, और हम आला अहकाम से भी वहाँ के आईजी साहब और मुराद शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं
उनसे अपील करेंगे कि हमारी ये जो बहन आबदा बीबी और मिसिज इश्तियाक काजी जो हैं, इनकी मदद की जाए और इनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद होने की वाकया जो इन्होंने हमें बताए हैं उनको रोका जाए। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें सहारा न्यूज़। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।